শ্রী সিদ্ধান্ত সরসি বিজয় গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ্বন্দ্বিদমিত শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদি শ্রী নন্দনন্দন বন্দে রয়ে गोपीजनो समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छा कल्पतरुश्च पतितानं पावुनिभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुङ्ग्लं हरितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्

सदानुरक्तगुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्च तं शरण्यम् एतात्विहं पुनतपाल् भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणसुविन्दम्

श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेता आनंद सिया दैता गदा धर शिवसादी ही गौर भक्त विन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बुधतो शंकर तनै कपितरो कमला हताक्षो विशाम्बरो दिजबरो जगधर मुपालो वन्दे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिभरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि नि भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरीनिरन्तरविभूषि त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गोमदापहारं वरान्सिपुरपतिभज वीषनाथम् वागीश जो शुभदने लक्ष्मीर्यश्च बक्षसि यस्यास्ते हृदय सम्बीहित त्वं निशिं नमहं भजि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे अत दुस्संगसृज्य सत्सु सज्जत बुद्धिमा सत उक्ति भी अतः दुस्संगमुसृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमा सत मनोव्यासंगम उक्ति गौरीगोष्ठीपति श्री भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को समय जगत भोपा परमुश जगत गुरु जी ने बताए साधु संग का नाम पे अगर संग हो जाए ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा बड़ा मुश्किल और असाधु को कोई साधु समझ ले असाधु को कोई असाधु समझ ले साधु को साधु समय ले बड़ा मुश्किल अनथ हो जाए गौरी गोष्ठी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमंश जगत गुरु कहते थे परमंश जगत गुरु कहते थे ये संत महात्मा का संग ये बड़ा जरूरी है साधु संग का नाम पे अगर असत्संग हो जाए अगर असाधु को साधु समझ ले दोनों में अनर्थ शामिल है बहुत मुश्किल बड़ा मुश्किल से एक वास्तव साधु मिलता है जो हमारा जो अनर्थ है हमारा जो कामना वासना है ये कामना वासना का अनुकूल में ये कभी कोई बात नहीं कहते गुरुपाद पद्म कभी हमारा अनर्थों का पोषण कर, कर, कराने का कोई व्यवस्था नहीं करता एक वास्तव साधु जो मेरा एक सौ प्रतिशत मंगल का व्यवस्था करता है उसको अगर हम गलत समझे तो मुश्किल है वास्तविक साधु हमारा जिंदगी में हमारा वास्तविक मंगल का व्यवस्था करता है एक को भी हमारा श्रेयो प्रोपात कहते थे श्रेयो और प्रेय श्रेयो और प्रेय श्रेयो मंगल लाभ कराने के लिए जितना कठोर होना क्यों प्रवचन बोलते हैं शासन करते हैं और प्रेयो जो स्वाभाविक अनुकूल है हमारा कामना वासना का अनुकूल है हम जो चाहते हैं गुरु वैष्णव वास्तविक सदगुरु कभी हमारा प्रयोग का अनुकूल विधान नहीं करे कभी नहीं करते ये इनके काम नहीं है प्रभात कहते थे जो गुरु प्रभात कहते थे जो गुरु मेरा कामना वासना का अनुकूल बातें करेंगे हमारा जो आग कामना वासना का आग जल रहा है उसमें और ज़्यादा घिरता दे के मेड़ों को बढ़ाने का कोशिश करेंगे क्या वो मेरा गुरु है क्या वो तो मेरा शत्रु है वो बात कहते थे वो तो मेरा शत्रु है जो हमारा जड़ भाव का अनुकूल बातें करे हमारा जो जलता हुआ जो ची है जो कामना वासना का उसमें और भी ज़्यादा होती दे दे ये तो गुरु का काम नहीं है ये तो मेरा दुश्मन है ये तो मेरा दुश्मन है ये तो मेरा सत्यनाश कर देगा सो so, अत दुस्संग मुस्त सत्सु सजेद बुद्धिमान इसीलिए हर हालत में दुस्संग को त्याग करके इसीलिए हर हालत में दुस्संगों को त्याग करके सत्संग करने का प्रयत्न करें अतः तो दुस्संग से सज्जित बुद्धिमान क्यों क्योंकि संत महात्मा संत एव अश्व एवं मन एफॉर्मेटिव निश्चित रूप में संत महात्मा गुरु वैष्णव प्रवचन के द्वारा अपना कठोर अप्राकित शब्द ब्रह्म प्रवचन के द्वारा हमारा अंदर में जितना सन अनर्थ है जिना जितना सारे कामना वासनाएं हैं सबको काट के फेंक देंगे संतो ये बहुत सच छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी मनोव्यासंगम उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी अतः अपना प्रवचन के द्वारा अनर्थ को काट कर फेंक दें आज ही सुबह में अंग्रेजी कथा में हो रहा था है? एवं गुरु प्रसनिक भक्त्या विद्या कुठरे न सिंह न धीर विभृष जीवा शयमयम अ प्रमथ इत्यादि सब चर्चा हो रहा अर्थात गुरुपाद पद्म कभी भी अपना शरणगत जन को जन का अंदर में अनर्थ रहने नहीं देंगे कभी नहीं ये नियम है संत महात्मा का सामने हर वक्त हरि कथा कीर्तन अपराकृत की जगत का जो अपराकृत जगत का जो आनंदमय हरिकथा है कीर्तन है ये सब मिलते रहते हैं हर वक्त क्योंकि वैष्णव संगत मौन हमारा चैतन्य चैतन्य तो है वैष्णव संगत मौन आनंदित अनुखण सदा है कृष्ण पर संग वैष्णव संगों में आनंद क्यों होता है क्योंकि ये व्यर्थ की बातें नहीं करते वैष्णव संगों में आनंद क्यों होता है आनंद इसलिए होता है ये व्यर्थ की बातें नहीं करते ये हर वक्त भगवत प्रसंगो गुरु वैष्णव प्रसंगों कहते हैं जड़ जगत का कोई व्यर्थ की व्यर्थ की बातें नहीं करते इसीलिए वैष्णव संगीत मौन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण परसंग आप ब्रह्मा जी भी कहते थे ज्ञाने प्रयास मुदपन एव जीवंत रीतम भवदीय वर्ता शनिस्थिता सत्यताम तनुवांग तो मनोवीर जय प्रायसो अजीतो जीतो पियोषितई स्त्रोक्याम ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा ये जो बुद्धि है ये जो बुद्धि है ये बुद्धि के द्वारा और कुछ अपरागी जगत का विषय समझने का कोशिश नहीं करेंगे बस करो कोई बात नहीं सौ so, ब्रह्मा जी ने कहते हैं गहने प्रयासम उदभाष्य अपना बुद्धि अपना जड़ बुद्धि जड़ विवेक ये सबके द्वारा समझने का कोशिश हम नहीं करेंगे ज्ञाने प्रयासम उदपाष्यो अपना बुद्धि का जो विचार है हम दूर फेंक देंगे बहुत दूर ज्ञाने प्रयासम उदपाश्यो नमन त्यप अब हम नमन करेंगे अब हम स... नमन मतलब क्या है पपा जी ने व्याख्या किया नमन मतलब है न मतलब नहीं मतलब अहंकार अहंकार को अहंकार को बिल्कुल फेंक देना अहंकार को बिल्कुल फेंक के शरणागत तो हो जाने का नम माने हैं नमह नमह नम मतलब न मतलब अहंकार बिल्कुल अहंकार को फेंक कर गुरु वैष्णव के चरण में सर्वांगीण रूप में शरणागत हो जाने का मतलब है नमः जिसका सामने नमक करता हूँ मेरा अभिमान को फेंक दिया तो गैने प्रयास मुदबास्य नमन तेव अब हम नमन अतः शरणागति का रास्ता चुन लेंगे तो इसका बात कह रहे हैं ज्ञाने प्रयास मुदबास्य नमन तेव जीवंती सन्मुख रीत कैसे जियोगे भले सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता स्था। यह बात भले संत महात्मा का संत महात्मा का सामने हम रहेंगे हम किसी का सामने नहीं रहेंगे हम संत महात्मा गुरु वैश्व के सामने रहेंगे क्यों वहाँ रहने से वहाँ क्या होगा भले ज्ञाने प्रयास मुद्दे वस न मुखो इरितम अर्थात गुरु वैष्णव का मुखार बिंदु से पिखल पिघला हुआ अमृतमय वाणी को सेवन करेंगे और जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम भवदीय आपका वार्ता हरि कथा सुनते रहेंगे स्थाने स्थित विश्वनाथ चौकोदेवा बोला स्थाने स्थानी स्थित मतलब साधुगंज सकाशे स्थित अर्थात गुरु वैष्णव के सामने रहें स्थान स्थिता श्रुतिगताम तनुबांग बनो मनोभीर बनोवीर श्रुतिगताम तनु बांग काय मन और वाक्य के द्वारा शरणागत होकर हो श्रुतिगताम अपराकृत जगत का ये अमृतमय वाणी गुरु वैष्णव का हम कानों के द्वारा श्रवण विवरे ग्रहण करेंगे पान करेंगे सुथिगताम तोनुबांग मनोवीर ऐसा करते ऐसा करके क्या होगा तनुबांग तो मनोवीर जे प्रायस अजीत हो जो भगवान अजीत है जो भगवान अजीत है जिसको कभी जीता नहीं जाए वो भगवान को जीता जा सकता है ए अजीतोपी जीतोपियो स्त्रीलोक्याम ये नियम है अर्थात शरणागति का रास्ता गुरु वैष्णव के चरण में यही सबसे आनंदमय रास्ता है काल चर्चा करते हुए हम लोग बताया था रसों का अलग अलग विभाग है एक है शांतो रस शांतो रस इसके बाद दासो रस इसके बाद सखो रस उसके बाद बासल्य रस इसके बाद मधुर रस मधुर रस मतलब मधुर रस मतलब जो आदि रस जिसको बोला जाता है जो मधुर मतलब श्रृंगार रस मधुर मतलब श्रृंगार रस ये सिंगार रसों रस। का अंदर में भी दो भाग है ये सिंगार रसों का अंदर में दो भाग है एक स्वकीय है एक दूसरा है पर्व है शौकिया मतलब जो कृष्णो भग शौकिया मतलब जो अपना विवाहित अपना जो पत्नी विवाहित इनके साथ जो प्रेम रिश्ता प्रेम का रिश्ता है ये है रस ये भी मधुर रस है लेकिन शकिया लेकिन पौकिया मतलब है साथ बा, बाईहद, जिसका साथ बाह्य जिसका साथ बाहरी दृष्टि में शादी का कोई बंधन रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी इसका साथ इतना प्रेम हो गया ये प्रेम को या आस्वादन करें इसका नाम है पर किया यद्यपि इस जड़ जगत में किया भाव का बड़ा निंदा है बड़ा निंदा घृणित है ये प्राकृत जगत में ये पर किया भाव बहुत निंदनीय है बहुत घृणित है लेकिन अपराग क्यों यहाँ बहु नायक है बहु नायक नायिका बहुत है इसमें जड़ जगत का इसमें जड़ जगत का जो रक्त मांसों का प्रेम जो है वो बड़ा घृणित है जो हमने बांग्ला कथा में उस दिन बता रहा था ये देखो ये बड़ा घृणित है ये प्राकृत जगत में जो ये प्राकृत जगत में जो पारकीय पारकीय भाव है वो इतना घृणित है इतना निंदनीय है कि मत पूछो मैंने उस दिन कह रहा था मंगला कथा में जो है क्या बोले देखो ये जो शरीर है ये रक्त वंश का मना बनाया हुआ है और इसमें ये एक बोरा का मापिक एक बोरा इसका अंदर में रक्त मांसो पूंज टट्टी पेशाब ये इसका एक बोरा है इस शरीर को लेके प्यार करने जाए दुर्गंध दूषित ये प्राकृत जगत का औमिधपूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे करे वरे मुत्रि पुरुष भावित हैं रमंती मोड़ा बेरमती पंडिता कीट अमेद पूर्ण कृमिकीट संकुले अमेद मतलब माल मूत्र रक्त मांसो का एक बस्ता है बूढ़ा है सैक है अमेदपूर्ण कृमिकीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंदिता अंतरे ये स्वभाव दुर्गंध है इसमें ये दुर्गंध दूषित है स्वभाव दुर्गंध विनिंदिता अंतरे कले वरे मूत्र परि ये कले वरे मूत्र पुरुष भावित ये जो कॉलेवर है ये जो शरीर है रक्त तो मांसो टट्टी पे सब से भरा हुआ एक सैक है इसको इसको लेकर कोई प्रेम करने जाए प्रीति करने जाए वो जड़ जगत का जो प्रेम है बड़ा घृणित है अमित कृमि कीट संकुले स्वभाव दुर्गंध विनिंद तांतरे कॉलेवरे मूत्रे पुरुष भारविते इसमें रमंती मूढ़ा जो मूरख है जो मूरख है जो माया में फंसे हुए हैं जो मूरख है जो मूरख है, है बिल्कुल मूरख जो माया में फंसे हुए हैं वही ये प्रेम रक्त मांसों का जो प्रेम इसी में इसी में उछल पड़ेंगे जो मूरख है ये ये जो जड़ जरत का जो रक्त मांसों का प्रेम मोहब्बत है इसमें कूद पढ़ेंगे लेकिन बीरमंथ पंडित था जो वास्तविक पंडित हैं जो पंडित कौन है भगवान श्री कृष्ण ने बताया देखो पंडितो बंधु मोक्षोविद पंडित कौन है भगवान उद्धव को बोला देखो पंडितो बंधु मोक्षोविद सब पंडिता मतलब सिर्फ संस्कृत का जानकारी है ऐसा नहीं पंडित का मतलब है जो हर वक़्त अलर्ट है हर वक़्त बड़ा सावधान है कि किस विषय में ये इसमें मेरा बंधन होगा होगी बंधन और इसमें मेरा मुक्त होगा जिसको इस विषय पर पूरा जानकारी है ये पंडित है पंडितो बंध शबिद जो इसमें मेरा बंधन हो जाएगा मैं फंस जाऊं और इसमें मेरा बंधन का कोई सवाल ही है नहीं ये पंडित तो मूर्ख जो है माया में फंसे हुए जो जीव हैं जो मूर्ख है माया में फंसे हुए जो जीव हैं जो मूरख है माया में फंसे हुए जो जीव हैं वो तो इस जड़ जगत का जो आनंद है ये लेने के लिए एकदम कूद पड़ेंगे नरक में लेकिन जो पंडित हैं वो कभी लेकिन जो पंडित हैं वो कभी लेंगे इस विषय में विरमनती वो सावधान हो जाएगा नहीं तो ये जो पारकिया भाव है इस जड़ जगत का हिसाब से अकॉर्डिंग टू मेटेरियल कंसेप्शन ये पारकिया जो भाव है बड़ा घृणित है बड़ा निंदनीय है लेकिन अपराकृत जगत में ये पारकिया भाव है चिन्मय जगत गोलोक वृंदावन में ये पारकिया भाव सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है जो जग, इस जगत में जो सबसे घटिया है सबसे सबसे डिप्लोरेबल बहुत घृणित है वो अपरागिक जगत में सबसे ऊंचा है क्यों दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ पर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसलिन वर्ल्ड ये प्राकृत जगत अपरागिक जगत का विकृत प्रतिफलन है ये प्राकृत जगत जो है ये अपरागिक जगत का विकृत प्रतिफलन है जैसे एक मिसाल उदाहरण दे दे पानी का तालाब है पानी का तालाब का उधर एक नारियल का पेड़ है खड़ा है एक नारियल का पेड़ है तो नारियल का पेड़ जो है अब सीधा ऊपर देखोगे सीधा ऊपर देखोगे नारियल पेड़ नीचे से शुरू होकर ऊपर ऊपर उसका पेड़ है लेकिन पानी का अंदर में जब देखोगे वो रिफ्लेक्शन वो पानी के अंदर में ये जो उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ये जो नारियल पेड़ का माथा जो है वो नीचे है नारियल पेड़ का माथा पानी के अंदर में बहुत नीचे दिखेगा नारियल पेड़ का जो माथा है नारियल पेड़ का जो माथा है वो तो पानी के अंदर तो सबसे नीचे दिखेगा एकदम नीचे बहुत नीचे और ऊपर देखोगे नारियल पेड़ खड़ा हुआ है वो ऊपर है अब वह नीचे है ठीक ये एग्जाम्पल जो है ये जो उदाहरण मैंने दिया है ये एग्जैक्टली exactly ये उदाहरण को अप्लाई करने का कोशिश करें अर्थात प्राकृत जगत में जो रस अत्यंत घृणित है पुलिस आके पकड़ लेगा लोग समाज का आदमी थुक्कार देगा घृणित है प्राकृत जगत का जो स्त्री पुरुष का प्रसंग है पारकीय भाव वो अत्यंत घृणित है अपना स्वामी अपना अपना पति देवता रहते हुए भी इतना घृणित काम में लिप्त है ये आदमी सहन नहीं करेगा लेकिन जो इस जगत में सबसे घृणित है अपरागिक जगत में देखो तो ये जो अपरागिक जगत में ये पारकीय भाव सबसे ऊपर है अब आप इतना ऊपर है इतना ऊपर है इसका ऊपर कुछ नहीं है सबसे ऊपर है लेकिन आपको विश्वास होना मुश्किल है क्योंकि मेटेरियल ब्रेन लेके इसका अंदर प्रवेश जाना संभव नहीं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ संभव नहीं तो अपरागिक जगत का पार किया ये जो हमने चर्चा किया ये सबसे ऊपर है अपरा के जगत में भगवान श्री कृष्णों नंदन नंदन भगवान श्री परात पर अखिलेश्वर भगवान का जो मधुर रस है गोपियों का साथ ये कोई घटिया चीज़ नहीं है गोपी मतलब भगवान का अपना ही शक्ति गोपी मतलब भगवान का अपना ही शक्ति अपना ही शक्ति जैसे वेदांतों में शक्ति शक्ति मत्तुर अभेद भगवान का ही अपना ही अंतरंगा शक्ति सर्व शक्ति तो गोपियों का अंदर में अंदर में कोई घटिया भाव रह रह नहीं सकता केवल नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण पर अखिलेशकर को किसी भी हालत से सर्वांगीण रूप से संतुष्ट विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा गोपियों के अंदर में है श्रीमती राधा रानी का अंदर में है यद्यपि श्रीमती राधारानी का कोई शादी होना संभव नहीं फिर भी जड़ जगत में पारकीय रस को पुष्ट पारकीय रस को पुष्ट करने के लिए हैं फॉर द एनरिचमेंट फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द रस इच्छा करके श्रीमती राधारानी का मैरिज का जो कंसेप्शन है ये जोगो माया ने अरेंज किया है आयान घोष का साथ सच पूछो तो आयन घोष ने श्रीमती राधा रानी को देखा ही नहीं रानी को स्पर्श करेगा तो दूर की बात है राजा रानी का दर्शन करना भी मुश्किल है आयन घोष बाहरी विचार में श्रीमती रानी का पति पतिदेवता है ये तो नाटक है एक नाटक है ड्रामा है भगवान श्री कृष्ण ही नित्य पोती है श्रीमती राय जब भी जद्यपि परकीय पर भाव में प्रीति बहुत आनंद बहुत परकीय रस में जो प्रीति की जो आनंद है मधुर रस बहुत ऊपर जाता है बहुत एक्सीलेंट हो जाए इसीलिए बाहरी विचार में श्रीमती राधानी का मैरिज है श्रीमती राधानी का आयन घोष का साथ शादी हुआ लेकिन सच पूछो कुछ नहीं शादीवादी कुछ नहीं ये तो इच्छा करके जोगमाया ने अरेंज किया क्योंकि हम मधुर रस को एक्सीलेंट पिक पॉइंट में ले जाने के लिए और कुछ नहीं तो अतयव काल हमने बताया था यथो मसौ स्वाद विशेष उल्लासम है मई ओपी वचन यथो उत्तरमसो स्वादो विशेष उल्लो उल्लसो मई ओपी उल्लासोमयी अभी रतिशनया साधवी भाषाते काफी कसचित अर्थात उल्लासमयी रति उल्लासमयी रति उत्तरोत्तर ग्रेजुअली इसको आस्वादन का ग्रेड को बढ़ाने के लिए प्रतीत होता है यही रोती विशेष रूप में विशेष र... स्थल विशेष वासना कमें परम असाध्य परम असाध्य होकर मधुर रस रूप में प्रकाशित होता है रूप कश्य बात रसामित तो सिंध में ही लिखा है जथोत्तर मसो शाद विशेष उल्लासमयी ओपि रतिर्वसनया सद ही भाषते कापि कश्यचित का अर्थात उल्लासमयी रोती ग्रेजुअली इन कोर्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर जी ऊपर को जाते हुए उल्लास में ही रती उत्तरोत्तर अस्व विशेष प्रतीत होता है हृदय में अस का बारे में भी एक्सप्लेनेशन है व्यथितो भावना बहत्तमो व्यथितो भाव व्यथतितो भावना बहत्तमो यश चमत्कार भारभ हृदय सत्व मता तो तरस किसको बोलता है भले व्यती तो भावना बौतम अर्थात अपना चिंतन का जो लिमिट है जो एरिया है व्यती तो भावना बौतम हमारा जो थिंकिंग का एरिया है इसको ट्रांसेंट करके व्यती तो भावना बौतम जो चमत्कार भारभु एक ऐसा स्टेज में पहुंच जाता है जो आनंदयान चमत्कार भारभु और हृदय सत्योजल जल, जल भाव के द्वारा परिपूर्ण आलोकित हो जाता है हृदय का अंतकरण हृदय वारम हृदय सत्यो शिव सत्यव नहीं है विशुद्ध सत्यो उज्ज्वल भाव में आलोकित हो जाता है हृदय और तो भावना वर्तमो उस समय में जो हृदय नर में एक आस्वादित होता है एक चीज जो एक आसादित होता है इसका नाम है रस इसका नाम है रस सो तो भावना वर्तमो ज चमत्कार भारभु हृदय सत्य जल वारम सदते स्वरसोमता इसका नाम है रस अतएव यहाँ बताया रिभु बाद उल्लासमयी रोती उत्तरोत्तर अश्वाद विशेष प्रतीति होती है यही रोती सम स्पेशल केसेस यही रोती स्तर विशेष हैं अपना वासना का पूर्ति का भाव अनुसार परम आस्वादन परम अश्व विषय हो जाता है इसका नाम है मधुर रस रूप में प्रकाशित होता है इसका नाम है मधुर रस अतोए मधुर रस को ही तार नाम शकिया पर रूपी दिव्य तो मधुर रस का दो कैटेगरी है एक है शकिया पर हमने व्याख्या किया पर भाव के द्वारा अगर जड़ जगत का अगर जगत में ही देखे अपरागी जगत को आपको समझ में नहीं आएगी अपरागिक जगत समय में आना मुश्किल है लेकिन जड़ जगत का एक उदाहरण दे दे, देखो जड़ जगत में हम लोग का एक्सपीरियंस है हर कोई का देखो ये पारकिया भावे होती रसेर उल्लास महाप्रभु जी ने ये उदाहरण भी दिया महाप्रभु जी ने इस बात को महाप्रभु जी ने इस विषय को इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इस विषय को साफा करने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए खुलासा करने के लिए महापभू जी ने एक उदाहरण दे दिया क्या उदाहरण दिया महापभू जी ने बोले देखो अगर किसी का सामी है किसी औरत का किसी औरत का स्मी है वो तो सामी है और औरत ने क्या की स्वामी ऑफिस चली जाती चले जाते हैं और उसका बाद इसका परकिया भाव आसादन का आनंद लेता है तो ये जो है ये जड़ जगत में आप का, का, का क्या कहोगे स्वामी पति देवता ऑफिस में चला गया और पत्नी अब पर किया आनंद ले रहा है पर किया आनंद ले रहा है महापुरुष जी ने उदाहरण दिया पर व्यासन निरी बैग्रवपी गृह कर्मसु तदाद अंतर नवसंगम रसायनम महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया पर व्यासन नारी अर्थात अपना पति देवता होते हुए भी पर व्यासन नारी व्याग्राव घर गृहस्थी में अपना इतना अटेंशन दिखाते हैं देखे देख, ये बड़ा ड्रामाबाजी ये बड़ा ड्रामाबाजी है किसी का पति देवता है पति देवता का सामने इस संसार का इतना साफा सूत्र बड़ा घर गृहस्थी का काम में बहुत अटेंशन दिखा रहा है लेकिन अंदर में हर बगह सोचता है कि कब पति देवता ऑफिस में चले जाए हम पर्य रस को उसको करेंगे सम wicked lady लेडी having हैविंग but बट to टू ऑफिस going गोइंग टू गेट द एसोसिएशन सम आउटसाइडर इसको पर इसका नाम पर अपना हसबैंड है फिर भी पर ये बड़ा घृणित है महाप्रभु जी ने इस उदाहरण के दिया है जैसे पर व्यासन नारी बैग्राउप कर्मसु तदैव आश्चादर नवसंग रसा ये जो कैरेक्टरलेस लेडी है ये संसार में अपना बच्चा का ध्यान देते हैं बहुत कुछ करते हैं और स्वामी का खाने पीने का ध्यान देता है अरे थोड़ा ले लो और ले लो बड़ा ड्रामाबाजी करते लेकिन पति देवते जो ऑफिस चले जाए वो पारकियान करें इलीगल तो महाप्रभु ये उदाहरण दिया जी ने उदाहरण दिया पर व्यासनारी बैग्राउपिग कर्मसु तदैव सा अंतर नरसंगर नहर तो देखो मेट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर जड़ जगत का हिसाब में देखो ये जो पारकीय रस में इत का कितना अटेंशन है कितना आनंद है संसार में सामी देवता है सब कुछ है बच्चे सब कुछ है लेकिन पार्कियों और असंसाधन में इसका इतना मज़ा है इसका और एक थ्रिल है कभी पति देवता पकड़ लेगा कुछ कुछ भी कुछ देख लेगा इसका लिए सावधानी से करना जो जितना जिस विषय में जितना एडवेंचर है जिस विषय में जितना एडवेंचर है उस विषय में उतना थ्रिल भी है माउंटेनियरिंग इतना इन फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन उसमें एडवेंचर है जो एडवेंचर अगर है तो एडवेंचर आनंद भी है जितना एडवेंचर उतना आनंद है तो पारकिया भावे अति रसेर उल्लास तो ये पारकिया भाव का जो स्ट्रैटेजी ये जो अपराकृत वृंदावन में सजा के ये तो चल रहा है वास्तविक रूप में राधा रानी हो या गोपियों का साथ कृष्ण का अनंत काल का नित्य संबंध है संबंध तो दूर की बात है वो इंटरनल पोटेंसी है ये गोपी लोग ये जो गोपियों है, हैं कृष्ण के साथ अभिन्न है डिफरेंट एक ही है इच्छा करके लीला लिलारो, रस को साधन करने के लिए अपना सरस्वती को बाहर में प्रकट की और उसका साधन करें तो आम आदमी उल्टा समझे आम आदमी जो है वो उल्लू का पट्टा वो समझे ना है समझे ना है कुछ समझ में आ नहीं आता क्या वो उल्टा बल्टा करते तो पारुकीय भावे होती रसेर उल्लास पारुकी भाव के द्वारा रस का उल्लास होता है और ये एकमात्र एक पारुकीय भाव जो है एकमात्र ब्रजोधाम छोड़कर ब्रजोधाम छोड़कर किसी जगह और पारकीय रस जो है जो ब्रजोधाम छोड़कर और पारकिया रस जो है ब्रजोधाम छोड़कर और किसी जगह संभव नहीं पारकिया रस ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन गोलोक वृंदाव नो वायरस नो वायर नॉट बाई कु नथिंग इन मेटेरियल वर्ल्ड अवेलेबल बट यू कैन स्पीट ऑन इट इू मेटेरियल वर्ल्ड देर पारकिया रस है एवरीथिंग वेरी दे एंजॉय इट बट वी स्पीच इट इलीगल पुलिस का अरेस्ट सो बात अपराकृत जगत क्योंकि इस जगत में बहुत सारे हीरो हैं बहुत सारे हीरो हैं इन दिस मेटीरियल इन द मेटेरियल वर्ल्ड काउंटलेस हीरोज एंड काउंटलेस हीरोन बात अपराकृत जगत में ओनली वन हीरो नो फादर देयर कृष्ण नंद नंद और जो गोपियों का साथ जो रिलेशन है दे इटर्नल शक्ति ऑफ भगवान इट इज़ नॉट इलीगल इज वेरी स्वीट एक्सीलेंट बट पीपल मेक कन्फ्यूशन नॉट गुड पारिया भावे होती रसेर उल्लास ब्रजबिना यार अन्य ब्रज भूमि ब्रज भूमि छोड़कर ब्रज भूमि छोड़कर दूसरा किसी जगह ये संभव नहीं एकमात्र ब्रजभूमि में है ब्रजवधु बनेर ए भाव निरवधि ब्रजवधु गोपियों का अंदर में कृष्णों का साथ यही भाव हर वक्त भरपूर है तार मध्य इन गोपियों गोपियों का अंदर में श्रीमत राधा रानी इज द टॉप मोस्ट गोपियों के अंदर में श्रीमत राधा रानी टॉप मोस्ट इन बीच में श्री राधा रानी का भाव का अवधि एक्सट्रीम लवफुल है व्यपारोक्य भाव और पौड़ो मैच्योर्ड पौड़ा पौड़ो निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है लव फुल मूल इज द टॉप मोस्ट कृष्णेर कृष्णेर माधुर्य रस आसादन कारण कृष्णों का जो माधुर्य रस का एक्सचेंज कृष्णो और गोपी के अंदर में इसके लिए टॉप मोस्ट है श्रीमती राधा इसीलिए अतोएव यही भाव अंगीकार करी शेन निजोबांछा गौरांगों से हो इस राधा रानी का जो भाव है इस भाव को चोरी करके चोरी करके और श्रीमती राधा रानी का शरीर का अंगों का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन चोरी करके स्टीलिंग चोरी करके गौरांगो आए हुए अतोएव से ही भाव अंगीकार करी साधीलेन निजो बांछा गौरांग से हो गौरांग महाप्रभु ये बांछा अत्यादि पारुक्य भाव का आस्वादन कृष्णों का साथ गोपियों का क्या है ये अपने कृष्णो स्वयं कृष्ण है फिर भी श्रीमती राधारानी कैसी आस्वादन करती है इसको आस्वादन करने के लिए खोद कृष्णो राजमती राधाराणी का जो भाव है इसको भाव को राधा भाव चोरी करके और गोल्डन कॉम्प्लेक्शन शरीर का ये जो चोरी करके गौरांग रूप में अवतीर्ण हुए तो अतएव से ही भाव अंगीकार करी अतोएब से ही भाव अंगीकार करी शादी निजो वाशा गौरांग गौरा स्योहरी इसी भाव को श्रीमती रानी का भाव को चोरी कर लिया और अंग चोरी करके अतएव से ही भाव अंगीकार करी शादी लेन निजो बांछा गौरांग से हो गौरंग महापू अपना जो बांछा है ये श्रीमती रानी का भाव क्या है मैं स्वयं भगवान हूँ कृष्ण मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं अगर आश्रय भाव अंगीकार करूं मैं विषय भाव हूं तो अगर अंगीकार करूं तो पता चलेगा इसीलिए गौरांगो महाप्रभु श्री श्रीमती राधानी का भाव कांति श्रीमती राधानी का भाव और अंग कांति को चोरी करके लेके गौरांग रूप में भगवान कृष्ण अवतीर्ण हो अतएव सही भाव अंगीकार करी शादी लेन निजोबान छा गौरा से हरी और स्तवमाला में स्तवमाला में चैतन्य स्टक, चैतन्नाष्टकम में शिल रूपाद जी ने लिखा है क्या लिखा है सुरेशान दुर्गम गतिरति नो उपनिषद मुनि नाम सर्वश्यम प्रणत पटलिम पटलिम मधुरी

मधुरम् उपभक्तुम कमपिया रुचम शम आब्रवे दुति दुते मिह तदीयम् प्रकटयन् रुचम शम आब्रवे दुति मिहु तदीयम् प्रकटयन् स देव चैतन्य कृतिरतितरम् न कृपायतुम ये क्या है द्वितीयो चैतन्य स्टॉक ये पहला चैतन्य तो पहला में उसमें सुरेशा दुर्गा गतिरतिशयनोपनिषद मुनी सर्वस्व प्रणतपटली मधुरी मीन प्रेमनो निखिलो पशुपालाजदृशा सचैतन्य चैतन्य किंग पुनरपी दिसर्जस्पति पद अतीय जो चैतन्यष्टकम जय इसमें लिखा है अपारम कश्यपी प्रणयजनबिंदकुतकोम हिवा मधुरमप् कमी युचं सं ह्रभे दुतिम तदीय प्रकटयन सदेव चैतनकृतिरित न कृपय इसका माने क्या देवता लोगों का पक्ष ऑन बिहाफ ऑफ डिमी गॉड्स देवता लोगों का पक्ष से दुर्गम उपनिषद उपनिषद तमाम उपनिषद को पाठ करके वेरी हार्ड टू रियलाइज द थीम दुर्गम देवतागणों के लिए देवता देवतागणों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज देवता देवतागणों के लिए दुर्गम और उपनिषद गनो का कष्टोग उपनिषद आदि छानबीन करके बहुत कष्ट मिलता है और मुनि गनो का मुनि मतलब वास्तविक वैष्णव को मुनि बोला है क्योंकि वैष्णव जड़ जगत का बातें नहीं करते हैं हरि कथा बोलते हरि कथा बोलने से अपना मौन और व्रतो खराब नहीं होता तो मुनि मतलब मौन उदाहरण का मुनि मतलब जो मौन तो जड़ जगत का हिसाब का अनुसार मौन रहने से क्या फायदा जड़ जगत अकॉर्डिंग टू मेटेरियल कंसेप्शन इफ कीप साइलेंस व्हाट यूटिलिटी नो यूटिलिटी वेयर टू स्पीक हरिकथा इज द टॉप मोस्ट बेनिफिट व्हाट यूटिलिटी ऑफ कीपिंग साइलेंस टू स्पीक हरिकथा इज मौन तो मुनिगनो का सर्वस्व अर्थात वैष्णव लोगों का सर्वस्व प्रणतोपटली पटली गणेर मधुरिमा भक्त का मधुरिमा है और ब्रुजो युवती गनु का नयन गतो प्रेम का निर्जास बस्तु रूप वस्तुरूप स्वरूप जो भगवान है से चैतन्यों क्या फिर से हमारा नयन गोचर होंगे क्या सुरेशानम दुर्गम गतिरती निषा उप निषदम सुरेशानां दुर्गं गतिरतिशयनोपनिषदां मुनीनां सर्वशं प्रणतपटलीनां मधुरिमा विनिर्यासः प्रेम्णो निखिलपसुपालाम्बुजदृशां सचयितुं न किङ् मे पुनरपि दीश्वर्यस्वतिपदम् अपारं कस्यापि प्रणयजन बिंद से कुतकी रसस्तोम हिवा मधुरम् उपभक्त कमी युचम सम अब्रवे दुती मीहु तदिया तदिया प्रकटयन सदेव चैतन्यकृतिरतितराम न कृपय तुम कृपय तु की कौतुकी की कौतुकी कृष्णो प्रणयजनों का रस समूह का आस्वादन करो तो अपार असीम कोई एक प्रकार का मधुर रस विशेष भोग करने के लिए भोग करने का वासना लेकर निजो अंग कांति गोपन करके छुपाकर कर श्री राधा का दूती शिकार पूर्वक चैतन्य रूप का आकृति लेकर प्रकट हुए हुए हैं ये चैतन्य कृति जो प्रभु है ये मेरे को कृपा करें जो आउट ऑफ स्पेशल क्यूरिटी क्यूरसिटी ए टू गेट द टेस्ट रस आसादन करने के लिए प्रोनिजन भक्तों लोग मेरे को कैसे प्यार करते हैं किस प्रकार का श्रीमती राधारानी का भाव है वो तो समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए श्रीमती राधारानी का भाव और अंगदूती को छुपाकर चुरा कर जो चैतन्य आकृति लेकर ये प्रकट हुए हैं वही परात्पर अखिलेश पर ब्रह्म स्वयं रूप भगवान ये क्या हमको कृपा करेंगे क्या आपको अपारम कश्यापी कश्याण जन बृंदोसुत रस मधुरम हिथ्वा मधुर रूचम सम येदुत रुचम सौ्रवे दुतिमिह तदीया प्रकटयन सद सदेव चैतन्य कृतिरति न कृपयतु तो इसीलिए श्रीमान महाप्रभुजी न आए हुए हैं परस्पर पर अखिलेश्वर भाव ग्रहण का हेतु बांग्ला में लिखा हुआ है अभी चैतन्य चैतन्य को भार गृहेर हेतु भार भाव ग्रहण हेतु इस राजनी का भाव ग्रहण का कारण और क्या करें ग्रों, भाव ग्रहण का हेतु भाव ग्रहण हेतु कौलिलोधर्म स्थापन भाव ग्रहण भ्राव ग्रहण हेतु कौलिलोधर्म स्थापन अर्थात भार ग्रहण का कारण धर्म संस्थापन किया इनके मुख्य सुनो सर्व भाव ग्रहण हेतु स्थापन तार मुख्य हेतु कही सुनो सर्वजन मूल हेतु आगे श्लोके कहल आभास श्लोक अर्थ प्रकाश ये हमने ये हमने चैतन्य चरित मृत का प्रारंभ में ये जो श्लोक हैं सौरभ गोसाई का द्वारा विरचित ओ चैतन्य चरताम्यु का शुरुआत में स्टार्टिंग में हमने दे दिया राधा कृष्ण प्रणय लादिनी विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मा एकात्मनि भुवि पुरा देहुभवेदेदेद वेदा तो चैतन प्रकटमधुना तवय चैक्य मप्त राधा भाव भावदुतिशुविता कृष्ण कृष्णस्वरूप वही स्वरूप को ही मैं प्रणाम करता हूँ ए ये राधा कृष्ण का प्रणय रूप लादिनी शक्ति का हैं शक्ति क्रमें राधा कृष्ण एक होने का बावजूद ये विलास करने के कारण है राधा कृष्ण तो एकात्म होके भी विलास तत्व का नित्यत्व प्रयुक्तो राधा कृष्ण नित्य रूपे स्वरूपय विराजमान अर्थात श्री राधा कृष्ण नित्य विराजमान है साधन करते हैं और ये राधा कृष्ण का प्रणय का विकृति लादिनी शक्ति ये यद्यपि एक ही है फिर भी दो होकर भगवान एक वह हम बहु श्याम ऐसा भगवान बोलते हैं उपनिषद में तो राधा कृष्ण एक आत्मा दो शरीर पकड़कर एक दूसरे के साथ बिलास करके रस आस्वादन करने में लगे हुए हैं एक ही है राधा कृष्णो एक आत्मा होने का बावजूद अपना दो शरीर पकड़ के दूसरे एक दूसरे के साथ बिलास के द्वारा रस आस्वादन करते हैं राधा कृष्णो एक आत्मा दुई देहोधरी अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन खुली से दुई ये दो जो राधा गोविंद है दोनों अभी मिल गया सब सबर्ज हो गया से चैतन्य गोसाई जो गोरा है वो गोविंद और राधा गो रा गोविंद और राधा का मृत से ही दुई एक एवे चैतन्य गोसाई भाव आश्चादी दोहे एक ठाई हो दोनों एक, दोनो एक चैतन्य गोसाई भाव आसादन करने के लिए दोनों मिलकर एक हुआ सही दुई एक के चैतन्य गोसाई भाव 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 आस्वादित दोहे होइला एक टाइम राधा गोविंद मिले दो के एक बार भी तो इथि लागी आगे को री विवरण इस कारण मैं आगे कोरी तार विवरण जहाँ तो गौरेर महिमा कथन ये जो दो कारण छुपा हुआ कारण इसको एक्सप्लेन इसको खुलासा करने के लिए मैं जा रहा हूँ इथी लागी इथी लगे मैंने इसीलिए इथिल इथी लागी आगे कोरी तार विवरण इसीलिए इसका खुलासा करना चाहिए जिससे खुलासा होने से इस विषय गौरंग महाप्र का महिमा का पता चलेगा इती लागी, इती लागी, इसी लगी इसी लगी इसीलिए आगे पहले मैं इसका विवरण करना चाहता हूँ जहाँ से गौरंग महापो का महिमा का ज्ञान हो जाता इसी लागी आगे कुरी तहार विवरण जहाँ तय तो गौरेर महिमा कथन जहाँ से गौरंग महापोखा महिमा महिमा गौरंग महापो का महिमा का बारे में पता चलेगा अभी राधा तत्व तो तो पहले बोलना जरूरी है गौरंग महाप्रभु को गौरंग महाप्रभु का तत्वों को समझाने के लिए खुलासा करने के लिए पहले श्रीमती राधारानी कौन है कोई लड़की है कोई औरत है कि स्वरूप शक्ति है ये समझना जरूरी है नहीं तो बड़ा हल्का फुल्का हो जाएगा इसका जो ग्रेविटी है ये भगवान श्री कृष्णों का भी है न चिंता का विषय है हम लोग क्या करेंगे इसको बड़ा लाइटली एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे इसीलिए कृष्णनाथ कबीराज में कह रहे हैं श्री राधा का तत्व आर कृष्णों का साथ इनके क्या संबंध है क्या संबंध है ये समझना जरूरी है ये समझना जरूरी है श्री राधा होन कृष्णेर प्रणय विकार श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति का स्वरूप और प्रणय विकार बिकार मतलब डिफॉर्मेशन इसका लेटरल लिटरल ट्रांसलेशन बिकार मतलब डिफॉर्मेश लेकिन यहाँ ये माने नहीं है यहाँ इस विषय में अगर ऐसा माने करने जाओ तो बड़ा मुश्किल ऐसा माने नहीं होनी चाहिए सो so, क्या माने होनी चाहिए ये प्रेम का एक अद्भुत ये प्रेम का एक अद्भुत एक विलास है यहां लिखा हुआ है श्री राधिका होन कृष्ण प्रणय विकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है अनन्न प्रेम पक्का सच्चा एप्सिल्यूट ये प्रेम का प्रणय का विकार है ये विकार मतलब ये मेटेरियल जगत में किस वस्तु सड़ गया बिका ऐसा नहीं है जड़ जगत में किस वस्तु रखने से वो किस खाने का वस्तु कुछ रख दो ये सड़ जाता है खराब हो जाता लेकिन ऐसा कंसेप्शन नहीं है श्री राधिका है कृष्ण का प्रणय का एब्सोल्युटली एक प्रणय का एक अद्भुत प्रकाश से राधिका होन कृष्ण प्रणय विकार और कृष्ण का स्वरूप शक्ति लादिनी कृष्ण का अंतरंगा जो शक्ति है स्वरूप शक्ति लादिनी शक्ति इनके नाम है और ये लादिनी क्या है लादिनी का विचार अगर करोगे लादयते इति लादिनी मतलब जो आनंद देते हैं जैसे प्रहलाद महाराज प्र, प्रो प्रहलाद महाराज नाम है ना प्रहलाद महाराज नाम है ध्यान से सुनिए नाम क्या है प्रहलाद महाराज इनके नाम है प्रहलाद महाराज प्रहलाद शब्दों का क्या माने हैं प्रहलाद जो शब्दों हैं इसका क्या माने है प्रहलाद मतलब प्रो प्लस आनंद मतलब प्रकृष्टो आनंद प्रो, प्रास लाद, प्रो लाद प्रोलाद तो इसका मतलब क्या है प्रो मतलब प्रकीष्टो हो और लाद मतलब आनंद जो नित्य मतलब प्रहलाद मतलब नित्य आनंद प्रहलाद को हिरण्य कुमी ने मारना चाह तो नित्य आनंदो को मारा नहीं जाए नित्वानंदो नित्व इसको किल करना संभव नहीं जो इटर्नल आनंद है उसको कोई मारने या खून करने टू तो किल नॉट पॉसिबल नित आनंद सो so, प्रहलाद शब्द को माने प्रो प्लास व्लाद, अर्थात प्रकृष्टो एब्सल्यूट आनंद सो so, प्रकृष्टो आनंद तो फिर श्रीमती राधिका रानी कृष्ण का प्रणय का विकार है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप शक्ति है राधा रानी लादिनी इसके नाम <coughs> और ये लादिनी के द्वारा और ये लादिनी के द्वारा स्वरूप शक्ति के द्वारा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को आनंद देते हैं भगवान श्री कृष्ण को आनंद देते हैं लादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन ये लादिनी शक्ति ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लादिनी शक्ति कृष्ण गेटिंग एंजॉयमेंट द स्पेशल ड्यूटी ऑफ लादिनी शक्ति ऑल इज गिव एंजॉयमेंट टू कृष्ण एब्सोल्यूट तो लादिनी रानी लादिनी लादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन लादिनी दारा को भक्तर प्रसाद और ये लादिनी के द्वारा जो भक्तों लोग जो भक्तों लोग हैं ये जो इतना भजन करते हैं हरी कथा बोलते हैं इतना सारे सेवा करते हैं ये किस लिए ना लादिनी शक्ति के द्वारा गणों को सपोर्ट दे रहा है वाई डिबोटीज़ आर गिविंग एन्जॉयमेंट डिबोटी वेयर फ्रॉम दे आर गेटिंग एन्जॉयमेंट भले ये लादिनी शक्ति ये एन्जॉयमेंट दे रहा लादिनी शक्ति

सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप कृष्ण का स्वरूप क्या है सचिद आनंदो कृष्ण का स्वरूप क्या है भले एक तो सत है इटर्नल रिप्रेजेंट चित है चिन्मय और एक है आनंद परिपूर्ण सचिद आनंदो का जो विग्रह है इसका नाम है कृष्ण सच्चिदानंदो पूर्ण कृष्ण स्वरूप एक ही चित्त शक्ति तार धरे तीन रूप एक ही चित शक्ति भगवान का चित शक्ति एक ही है लेकिन तीन पार्ट हो के तीन फंक्शन है लाइक आवर सटल बॉडी अंतकरण सूक्ष्म शरीर एक ही है वन सिंगल बट ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मौन बुद्धि चित्तो अहंकार आई कैन डिस्कस आफ्टरनून टाइम नॉट नो सो एक ही है सटल बॉडी वन एंड सिंगल फाइन बॉडी बट ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गया एक ही शक्ति दैट चित्त शक्ति कैन टेक थ्री डिफरेंट फॉर्म एक आनंदांग से लादिनी सदंगश से संधिनी और चीज से संविध तारे ज्ञान को तो आनंद अंश में ये नाम लेती है नाम लेती है लादिनी और सौदेश में नाम लेती है संधिनी और चीत अंश में नाम लेती है संवित जारे ज्ञानकोरी मानी तो आनंद अंश में लादिनी जिसके द्वारा भक्त भा, भक्तों भा, का भक्तों को आनंद देता है अपने आनंद आस्वादन के ही लादिनी और सौदेश संधिनी সৎ মতলব ইটার্নাল প্রেজেন্ট সৎ অংশ সঙ্গীত অল ইটারনাল অ্যাওয়ার্ড এভরিথিং ইটার্নাল প্রেজেন্ট অল সন্ধিনী আর অল পারিকর আদি সব সন্ধিনী শক্তি প্রকটিত নিযোজন আর চিত অংশে সংবিধ চিৎ অংশে সংবিধ নলেজ চিদ্ অংশ মে যারে জ্ঞান করিবানি ज्ञान मतलब ज्ञान जितना किस्म का ज्ञान है अपराजित जगत में संबंध ज्ञान जो कुछ भी प्रेम प्यार का ज्ञान जो कुछ भी है सब और ये अपराकृत जगत का जो लादिनी है इसका परवर्डेड रिफ्लेक्शन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ लव अफेयर बिटवीन मैन वूमेन डार्टी ये आनंद से लादिनी ये जो अपरागिक जगत का धाम है परिकर वैशिष्ट है दैट सेम संधिनी व्हेन रिफ्लेक्टेड परवर्टेड रिफ्लेक्शन इन मेटेरियल वर्ल्ड सन्धिनी शक्ति ऑल डिफरेंट कंस्ट्रक्शन व्हाट एवर यू सी ऑल एंड मैन वो मैन एवरीबॉडी व्हाट एवर संधिनी शक्ति एंड चीद चिदंग से संबित अपरागिक जगत में प्रेम का ज्ञान प्यार का ज्ञान जो है ये <coughs> चिदंग से संबित ये अपरागिक जगत का संबित शक्ति का परवाडे रिफ्लेक्शन इस जगत में ऑल एजुकेशनल ऑल नॉलेज आर्ट कल्चर साइंस टेक्नोलॉजी जो नॉलेज है व्हाट एवर नॉलेज अप टू नाउ वी आर गैदरिंग ऑल पर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट संबित शक्ति व्हाट इज ओरिजिनली देयर अपरा की अपरा जगत का संबित इज अ ओरिजिनल शक्ति तो से संबित जारी ज्ञान कोरी रिमानी एटा के ज्ञान बोलकर प्रतीत होती है विष्णु पुराण में विष्णु पुराण का अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट है पुराण में एक एविडेंस है इसको उठाकर पुराण में एक एविडेंस है पुराण का एविडेंस को उठा के लिखा है लादिनी संदिनी संबित हैं ये को क्या लादिनी संदिनी हैं संबित तो एका सर्वो संस्थितो हैं अल, लादो ताप करी मिश्रा त्वय नो गुणो वर्जिते हे भगवान सर्वाश्रय निर्गुण सर्वाश्रय जो निर्गुण जो आप हो आ जो सर आप जो सर्वाश्रय निर्गुण हो आ आप में आपका अंदर में लादिनी संदिनी संगविध त्रिविदो तीन किसम का जो विषय है सारे चिन्ह में है आर मायावश जो कौन माया के कबल माया का अधिकार में आने आने, आने वाले जो इतना सारे जीव है आने वाली चित्तो स्त्रीलिंग है मायावश में <coughs> मायावश का काबिल कावि, काबिल जो है चिन्मय कौन माया माया प्रविष्ट होकर माया तिगुण आश्रय करके जिस अवस्था ला इस अवस्था लाभ किया है इसमें शक्ति लादिनी तापकोरी और मिश्रा तीन पुकार भाप जो हमने बताया वही है अर्थात अपरागिक जगत का लादिनी शक्ति का परफार्ट रिफ्लेक्शन इस जगत जगत में ये प्रेम प्रीति का रिश्ता है एक दूसरे को प्यार करता है सब लादिनी मादर गोइंग टू लाभ सन सन गोइंग टू लव हस्बैंड वाइफ और सब लादिनी शक्ति ओरिजिनली परफेक्ट रिफ्लेक्शन है उसका और यही बोला है लादिनी लाद ताप करी मिश्रा त्वीन गुण वर्जित भगवान ये जो लादिनी संदिनी संबित ये आपका अंदर में जो रहता है इट इज़ वेद फ्लॉलेस जब ए तीन शक्ति वेन वी कैन डिस्कवर लादिनी छिनी संगीत ऑल इन साइड यू देस वै एन पॉवर्टेड रिप्लेस इन वर्ल्ड कंटेमिनेटेड एंड इट्स गिविंग पेन इट्स गिविंग पेन बारिंग कंडीशन लादिनी छिनी संबित तूका सर्व संस्थितौ लादताप करी मिश्रा त्वय न गुण वर्चि सन्दिनी सार अंश शुद्ध सत्य नाम सन्दिनी का सार शुद्ध सत्य नाम भगवान सत्ता है धाते विश्राम सन्धिनी का सन्धिनी का जो सार है सन्धिनी का जो सार है इसका नाम शुद्ध सत्व संधिनी का जो सार है इसका नाम शुद्ध सत्य नाम आर भगवान भगवान का जो सत्ता एग्जिस्टेंस भगवान इटरनलिज इसी में है संधि सार संधिनी का सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवान का सत्या इसी में विश्राम लेती है लेता है इसी में विश्राम ले सकता माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर ये सब कृष्ण शुद्ध सत्य विकार अपरागिक धाम में पिता माता जो प्लेस जहाँ कृष्ण रहते हैं जिस मंदिर हैं जो बेड है सब कुछ ये सब शुद्ध सत्य का विकार आई मीन आई मीन फादर मादर ऑल परिकर और द प्लेस वेर कृष्ण इज एंड द मंदिर वेर कृष्णोज स्लिपिंग द बेड বেড ওয়াট এভার অল কামিং ফ্রম শুদ্ধ সত্য বিকার অল দা উড এন চাপ্পল অগান অপল এভরিথিং অল পিতা মাতা স্থান গৃহ শয্যা এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্যকার বিকার অল কামিং ফ্রম শুদ্ধ সত্য শুদ্ধ সত্য অর্থাৎ সন্ধিনী Somebody can say somebody can say Shivas Pandit having father. Sivas Pandit wife, children, everything. So what problem? Sivananda Sen also. Uh, what, what problem if we have? They, those are the Sandini Shakti expression of Sandini Shakti. Sandini Shakti coming in the form of son of Sivananda Sen. And you are getting material son. স অল দ্য ওয়াইফ অফ শিবাসপ সন্দিনী শক্তি অল সন্দিনী শক্তির সার অংশ সন্ধেনীর সন্দিনী শক্তিকে সার অংশ শুদ্ধ সত্য নাম ভগবানের সত্ত্ব হয় তাহাতে বিশ্রাম মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যান আর এসব এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ শত বিকার অল থিংস फादर मादर ओ व्हाट एवर द प्लेस वे द मंदिर एंड द बेड एवरीथिंग और शुद्ध सत्य विकार माता पिता स्थान गृहो सज्जासन आर ये सब किसने शुद्ध सत्य विकार ये सारे शुद्ध सत्यों का विकार है भागवत जी महापुराण में प्रमाण है भागवत जी महापुराण में प्रमाण दिया गया सत्यम विशुद्यम वसुदेव वसुदेवस यदीयेतम अपावृत सत्य ही हि अधक्षो मे मनसा साधीये क्या सत्यम विशुद्यम वसुदेवस्थ तदीयते तत्रपमान अपावृता तस्मिन् भगवान वासुदेव मे मनसा साधीये क्या बताते हैं महादेव शंकर भगवान कह रहे हैं श्लोक सत्यम विशुद्ध वसुदेव ज जदीयते ते त्रपमा न पावृत शक्ति तस्म भगवान वासुदेव ही अधक्ष जो में मनसा विधीये भगवान 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 का जो सर्व शक्ति का अंदर भगवान का सर्वशक्ति का भगवान का स्वरूप शक्ति का भगवान का स्वरूप शक्ति का, का, का अंदर में जो संधिनी प्रभाव से संधिनी शक्ति का प्रभाव से शुद्ध रूप जे नित्य तत्व तो तो इसी का नाम वासुदेव यही शुद्ध सत्व में चैतन्य स्वरूप भगवान नित्य प्रकाश लाभ किया है इसी का नाम चैतन्य स्वरूप भगवान नित्य प्रकाश लाभ करके विराजमान है इसी का नाम है वासुदेव समझ में आए कि नहीं दे ध्यान से द्वारा द्वारा कह रहा हूँ भगवान का स्वरूप शक्ति का अंतर्गत भगवान का स्वरूप शक्ति का अंतर्गत संधिनी शक्ति का प्रभाव से शुद्ध सत्वरूप जो नित्य तत्व विराजमान है काल इसी का नाम वशुदेव है यही शुद्ध सत्वो का अंदर में परेशर भगवान का जो चैतन्य स्वरूप भगवान प्रकाश प्रकाशमान अवस्था में विराजमान है इसी का नाम है वासुदेव ये वासुदेव जोड़ियों और माइक समस्त इंदिओ का उतीत ये जो वासुदेव तत्व तो है ये जो वासुदेव तत्व तो है ये तमाम मेटेरियल कंसेप्शन का परे है बियॉन्ड एनी मेटेरियल कंसेप्शन ये जो हो ये जो वासुदेव है ये ये वासुदेव ये मैटरियल कंसेप्शन या तो माइक माइक मेटेरियल कंसेप्शन माया माइक कंसेप्शन असमस्त्रो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो समझने वाला जो चीज़ है ये ये चीज इसका परे है सेंस ऑर्गन के द्वारा जो विचार करके समझने वाला जो चीज वासुदेव ऐसा चीज नहीं है वासुदेव इसका पर ये जोड़ियों माइक समस्त इंद्रियों का अतीत है भक्ति विभावित तो हृदय में इनको मैं प्रणाम नमन करता हूँ ठीक है सत्यम विशुद्यम वसुदेव सितम जदीय तेतृपमान पृत सत्य च तस्मिन भगवान वासुदेव ही अधक्ष जो में मनसा विधियते यहाँ तक चर्चा का विश्राम होना जरूरी है अब हम काल फिर से विचार करेंगे भगवान का इच्छा से आप लोगों का कृपा से आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है सो so, सो so, क्या देखे शुरुआत किया था आ क्या श्लोक दे के शुरू किया था हमने हमने शुरू किया था कि बोलिए जो भी है कोई बात नहीं सत्यम विशुद्धम वसुदेव सब्दी तदीयते तत्रपमान पृत सत्य तस्म भगवान वासुदेव ही अधक्षो मे मन यहाँ चर्चा का भी वहाँ छकल पत्र वासी अत दुस्संग सृजो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतो एव अश्व छिन्दंती मनोव्यासंगम उक्ति भी ये देखे शुरुआत किया था वहाँ छकल पत्र के पास सिंधु भवि पति पावन भविष्य वहाँ